नमस्कार, आप देख रहे हैं धनगढ़ शक्ति न्यूज यूपी पर। आज के मुख्य समाचार। धनगढ़ आंदोलन के 55वें दिन मथुरा की सड़कों पर उतरा जनसैलाब। 19 से अधिक जुटी भीड़, पुलिस की नाकेबंदी तोड़ी। मथुरा प्रदेश के स्पष्टीकरण आदेश के अनुपालन में धनगढ़ जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने की मांग को लेकर 55 दिन से दिन रात धरना दे रहा था। धनगढ़ समाज के प्रति प्रशासन की हठधर्मिता से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और महापंचायत में जनसैलाब उमड़ पड़ा। धरना स्थल से हजारों की संख्या में धनगढ़ समाज के लोग प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट की ओर बढ़े तो पुलिस ने कलेक्ट्रेट के मुख्य प्रवेश द्वार के गेट लगा दिए, जिससे उत्तेजित धनगढ़ समाज का सैलाब वहीं सड़क पर बैठ गया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगा। रोड जाम होने से यातायात व्यवस्था ध्वस्त होती दिखाई दी। तत्पश्चात जिलाधिकारी कार्यालय को धनगरों ने घेर लिया और मथुरा पुलिस ने धनगरों को उत्तेजित कर शांति व्यवस्था को पलीता लगाने की भरपूर कोशिश की, परंतु नेताओं की सूझबूझ से जनसैलाब शांत हो गया। धनगढ़ समाज विकास समिति के अध्यक्ष सतीश धनगढ़ ने बताया कि जिला प्रशासन इसी तरह अपनी हठधर्मिता दिखाता रहा तो धनगढ़ सैलाब कुछ भी कर सकता है, जेल भरो आंदोलन भी कर सकता है। धनगढ़ समाज के इतने बड़े मूव को उनकी समिति के पदाधिकारियों द्वारा इस प्रकार प्रदेश सरकार के 24 जनवरी के शासनादेश का पालन करें। बड़ी बात यह है कि 1958 में मेरे भाई का धनगढ़ सर्टिफिकेट बना हुआ है, मेरे फादर का धनगढ़ सर्टिफिकेट बना हुआ है और मेरे बच्चों के धनगढ़ सर्टिफिकेट नहीं मिले, उसके बच्चे के सामने उनका भविष्य अंधकार में किया जा रहा है उनको प्रमाण पत्र नहीं देकर। क्योंकि 1950 से भारत सरकार के गजेटियर में 27 नंबर पर धनगढ़ अनुसूचित जाति में अंकित है, तो उनका संवैधानिक अधिकार है, उनको मिलना चाहिए। अब उनका कार्य अगर जंगल में रहना था, भेड़ पशु पालक के रूप में जंगल में रहते थे और उन्होंने शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो ये उस जाति का कसूर नहीं है। वो भी इस देश के नागरिक हैं, इस भारत के संविधान के अंतर्गत रहते हैं, उनको देश की मान्यता है, वोटर अधिकार है, सरकार बनाते हैं। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों का उनके प्रमाण पत्र से वंचित किया जाना कतई भी कदापि न्यायोचित नहीं हो सकता। अनुचित बात का कोई समर्थन नहीं करता। और जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने शासनादेश जारी किया है तो उसका पालन करना चाहिए। अब कब तक लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार, ये गरीब समाज के व्यक्ति को जब वो अपना बच्चों का प्रमाण पत्र बनवाने जाता है तो तहसील से उसे डांट के भगा दिया जाता है। आप उसकी जाति की जांच करिए, अगर आपको शंका है तो उसकी जांच करिए, उसके प्रमाण पत्र जारी करिए, आप कोई बहाना नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश का धनगढ़ समाज पूरी तरह अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए एकजुट होकर तैयार खड़ा है। आपने मथुरा में देखा, आपने बहराइच में देखा, हाथरस में होने वाला है, आपने एटा में देखा, तो पूरे प्रदेश में ये पूरे प्रदेश की समस्या है। और धनगढ़ को धांगर करने से या धांगर करने से धनगढ़ का अधिकार नहीं मारा जा सकता, उसको उसका संवैधानिक अधिकार के लिए धनगढ़ समाज आंदोलन करेगा। प्रदेश की सरकार को, प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों को ये सोचना चाहिए कि उनकी नियोजित मांग, उनके जाति प्रमाण पत्र जो कि उनको स्कूल में चाहिए हैं, नौकरी में चाहिए हैं, तो ये बहुत आवश्यकता की चीज़ है। आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, सारे प्रमाण पत्र उनको चाहिए हैं। और किसी भी समाज को उसके संवैधानिक अधिकार से वंचित किया जाना कदापि ठीक नहीं है।
इस धनगर समाज के आंदोलन के प्रमुख उपस्थित थी श्री सतीश धनगर, अध्यक्ष धनगर समाज समिति, बलवीर सिंह प्रधान, संजय प्रधान, आनंद धनगर, भूपेंद्र कुमार धनगर, इंजीनियर मेदाराम धनगर, मुकेश धनगर, रुपेश धनगर, सोमवीर धनगर, हरि सिंह धनगर, मेदाराम धनगर, तेजपाल पहलवान, शंकर लाल धनगर, पुनीत धनगर, पार्षद डॉक्टर धरन सिंह धनगर, आचार्य भोजराज सिंह धनगर, महेंद्र सिंह धनगर, गोपी चंद धनगर, राम प्रसाद धनगर, आर्य नरेंद्र धनगर, देवेंद्र धनगर, कमल सिंह धनगर, गौरव धनगर, कल्याण सिंह धनगर, ओम प्रकाश धनगर, बाबूलाल धनगर, कैप्टन हकीम सिंह धनगर, मोहन सिंह धनगर, पहलवान रामकुमार धनगर, ऐदल सिंह धनगर, कैलाश ठेकेदार, यादराम धनगर, रूपी धनगर, भोजपाल धनगर आदि मथुरा के जनपद के हर गांव से इसमें धनगर समाज जुड़ा। आप देख रहे हैं धनगर शक्ति न्यूज यूपी पर आज के ये प्रमुख समाचार। देखते रहिए धनगर शक्ति।